Hey guys, welcome back to the channel. How are you all? And guys, welcome back to yet another JIO Gigafiber or the set-top box videos. Just my apps have guys, mujhe overwhelming pyar diya hai. Thank you so much for that. I didn't expect it. So here I am for with yet another video with for the JIO. So guys, जैसा कि आप सबको पता ही है, इसके brand new plans announce हो चुके हैं. So आज के particular video पे guys, मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ. So ये plans अब इन्होंने क्या किया है? पहले number of GBs का पंगा रहता था, तो voucher डालो, ये करो, वो करो, बड़ी problem हो रही थी. So अब इन्होंने क्या किया कि जो bronze plan से लेकर titanium plan है, सारे के सारे guys कर दिए हैं pure unlimited. And जो speed है guys, वो भी कहते हैं कि download speed and upload speed exactly the same है. वो भी guys मैं इस particular video में सबसे last में check out करने वाला हूँ. सबसे पहले guys मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप plans क्या क्या हैं. So are you guys ready? So let's get started. So guys फटाफट से हम अपनी JIO की application को खोल लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह से जैसे भी आप screens पे देख रहे हो वैसे animate होके आएगी यहाँ पे. Then फिर हमें जब ये ऐप खुल जाए तो हमें अपना ऑब्वियसली बात है अकाउंट को स्विच करना है, जो भी हमारा लैंडलाइन नंबर है. लैंडलाइन नंबर के पास आने के बाद आपको अनलिमिटेड नजर आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं नए प्लान पर स्विच हो चुका हूँ. तो उसके बाद गाइस हमें जाना है रिचार्ज सेक्शन के अंदर. रिचार्ज सेक्शन के अंदर गाइस आपको जो मंथली है, पहले तो उसकी एक लिस्ट मिलेगी, जो ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है, डायमंड प्लस है, प्लैटिनम है, टाइटेनियम आरएस है बेसिकली. सो एंड क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली टॉप ऑफ आईएसडी कॉम्बो में सब कुछ गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ. सो स्टार्ट किया जाए राइट. एंड अभी आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, आईएसडी पैक भी यहाँ पे दिखा रखा है. तो आईएसडी भी एक्चुअली 500 रुपए के अंदर हमें दे रहे हैं, एंड इसके अंदर कई सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे 1500 मिनट विच इज नाइस. कॉम्बो प्लान की गाइस रिक्वायरमेंट नहीं है, 199 प्लस जीएसटी बता रहा है. एंड फॉर द अनलिमिटेड डाउन स्पीड, अनलिमिटेड डेटा. अब सारे प्लान जब अनलिमिटेड हो चुका है तो उसकी कोई नीड नहीं है. सो गाइस सबसे पहले आ रहा है ब्रॉन्ज प्लान. गाइस ये है 399 रुपीस का, जो कि पड़ता है 471 रुपीस के आसपास. 30 डेज की वैलिडिटी है एंड 30 एमबीपीएस इसमें गाइस हमें डाउन स्पीड एंड अप स्पीड मिलती है. सो नथिंग स्पेशल, नॉर्मल है, लेकिन प्राइस ठीक है इसका. देन फिर गाइस आता है सिल्वर प्लान, जो कि पहले होता था हमारा 1000 रुपीस का, अब वो प्राइस हमें पड़ता है 824.82 का एंड 30 डेज के लिए ही है. गाइस जब आपने नोटिस किया ब्रॉन्ज एंड सिल्वर प्लान के अंदर भी कोई भी ओटीटी एप्स नहीं मिलती है, लेकिन पहले जब सिल्वर प्लान था उसके अंदर मिलती है. गोल्ड प्लान की बात करें तो ऑलमोस्ट 1178 का मिलता है, इसमें 150 एमबीपीएस की डाउन स्पीड अपस्पीड आती है. एंड गाइस इसके अंदर कई सारे ओटीटी एप्स आपको फ्री मिल जाते हैं, वॉइस तो सब में ही फ्री है. एंड 150 एमबीपीएस जबरदस्त रहने वाला है. सो गाइस अब बात करते हैं इससे अगले प्लान की, जो कि है डायमंड आरएस, जो कि गाइस 1499 प्लस जीएसटी का है. सो गाइस इसके अंदर टोटल हमें मिलने वाले है 300 एमबीपीएस अप स्पीड एंड डाउन स्पीड. एंड कॉस्ट गाइस इसकी 1768.82 रहती है. एंड गाइस इसमें आप नोटिस करो नेटफ्लिक्स बेसिक एड है, नेटफ्लिक्स यहाँ लिखा हुआ है. सो बाकी सारे ओटीटी एप्स तो है एंड नेटफ्लिक्स भी है. सो अब डायमंड आरएस की बात करें, डायमंड प्लस की बात करें, तो हमें गाइस ऑलमोस्ट 2950 रुपीज का ये पड़ता है, 500 एमबीपीएस की मैसिव डाउन स्पीड इसमें मिल जाती है. एंड नेटफ्लिक्स का स्टैंडर्ड प्लान इसमें मिल जाता है. सो दैट्स एक्चुअली अ प्रीटी गुड थिंग. देन हम बात करते हैं प्लैटिनम की, जो कि 4720 रुपीज का पड़ता है, 1 GBPS की मैसिव स्पीड इसमें मिलती है, 1 GBPS की. एंड इसके अंदर भी गाइस हमें नेटफ्लिक्स स्टैंडर्ड मिलता है एंड सारे ओटीटी एप्स मिल जाते हैं. सो गाइस अब आ गया है सबसे मैसिव टाइटेनियम प्लान, जो कि 8500 का है एंड ये 10000 से ऊपर पड़ेगा फॉर मंथली एंड 1 GBPS की डाउन स्पीड है. एंड इसके अंदर नेटफ्लिक्स प्रीमियम मिलता है एंड बाकी सारे ओटीटी एप्स मिलते हैं. एंड इसके अंदर गाइस आप डेटा देखो 6600 GB यहाँ पे मेंशन किया हुआ, 6600 GB काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है. एंड वैसे तो काइंड ऑफ अनलिमिटेड ही होगा, लेकिन ये इसलिए हमें बता रखा है कि जैसे ऑब्वियसली बात है, जो बंदा इतना महंगा प्लान लेगा तो वो बिजनेस पर्पसेस के लिए ही लेगा. सो गाइस अब बात करते हैं क्वार्टरली के ऊपर. सो क्वार्टरली के अंदर गाइस हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, जस्ट आपको 3 महीने का प्लान मिल जाएगा दैट्स इट. लेकिन अगर हम सेमी एनुअली की बात करते हैं तो हमें पैसे तो उतने ही देने हैं जितने हम मंथली बेसिस पर दे रहे थे 6 महीने के इकट्ठे, बट इसके अंदर गाइस हमें 15 दिन फ्री मिल जाएगा. 15 दिन ठीक है अमाउंट देखा जाए तो. अब यहाँ पे आप देख रहे हो सेमी एनुअली 15 डेज एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा हुआ है. कॉस्ट जो सेम है ब्रॉन्ज की आप देख रहे हो 400 का है, तो 6 महीने के हिसाब से 2400 रुपए के आसपास पड़ता है. सो 824.92 का ये प्लान हमें पड़ेगा, बस इसके अंदर 15 दिन हमें एडिशनल मिल जाएंगे. बट स्टिल देयर इज नो ओटीटी एप्स इन द ब्रॉन्ज एंड द सिल्वर प्लान. सो अब ईयरली प्लान की अगर बात करें तो इसमें ओटीटी एप्स तो गाइस हमें अभी भी नहीं मिलते हैं, लेकिन एक मंथ एक्स्ट्रा जरूर मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक बात है एक मंथ एक्स्ट्रा अगर हम ईयरली लें. लेकिन हम ये भी सोचना पड़ेगा गाइस कि हम ईयर के लिए बुक हो चुके हैं, कोई रिफंड कोई कुछ नहीं मिलेगा. अब कॉस्ट देख ही रहे हो बाकी सारे प्लान्स की यहाँ पे. एंड गाइस टॉप अप वाउचर्स हैं, आई डोंट नो कि ये कहाँ यूज होंगे, क्योंकि लैंडलाइन में वॉइस वैसे ही फ्री है. सो आई डोंट थिंक ये टॉप अप वाउचर्स का कोई भी खास नीड यहाँ पे रहने वाली है. सो मुझे बताना गाइस इन द कमेंट सेक्शन कि आपको लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं वो. एंड आईएसडी के बारे में आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं 502 रुपए के हमें 1500 मिनट मिलता है. लेकिन ये खाली फर्स्ट वाला जो है ये अनलिमिटेड आईएसडी कॉलिंग टू कैनेडा एंड यूएसए ही है गाइस. सो अगर इस किसी और कंट्री में बात करें तो आपको नीचे वाला प्लान लेना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें पैसे मिलते हैं एसडी टॉक टाइम के हिसाब से. सो
ये सारी चीजें गाइस ध्यान रखनी है आपको कोई भी प्लान यहाँ पे बुक करने से. एंड कॉम्बो प्लान तो यूजलेस हो चुका है, बिल्कुल एब्सोल्युटली यूजलेस, क्योंकि सारे प्लान अब अनलिमिटेड हो चुके हैं. सो ऑब्वियसली बात है इसका कोई भी नीड यहाँ पे हमारे सामने नहीं रहता. सो यही सारे गाइस इसके अंदर प्लान्स मैंने आप सब सारे से सारे शेयर कर दिए गाइस. एंड पिछले प्लान से अगर मैं बात करूँ तो देखा जाए तो मैं एक्चुअली अब पहले सिल्वर प्लान लेता था, अब मैं ब्रॉन्ज प्लान लेता हूँ. सिल्वर प्लान मैं क्यों लेता था आपको पता ही होगा. सिल्वर प्लान मैं इसलिए लेता था गाइस कि 400 GB प्लस 200 GB उसमें मिल जाता था. पहले स्टार्टिंग में था 200 प्लस 200, देन जब लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने 200 प्लस 200 प्लस 200 कर दिया. वाउचर सिस्टम था, बड़ा ही बेकार सा. तो वो सारी चीजें अब नहीं है, अब प्योरली अनलिमिटेड है. एंड पहले 100 MBPS थी, लेकिन 100 MBPS की जो स्पीड डाउन स्पीड आती थी वो खाली 5 GHz वाले नेटवर्क साइड पे आती थी. 5 GHz कई चीजें यूज नहीं करती, जैसे कि पुराने फोन नहीं करते, पुराने लैपटॉप्स नहीं करते, तो कुछ उसमें इशू था. तो मेरा मोस्टली जो सिनेरियो था वो 2.4 GHz पे ही रहता था. एंड 2.4 GHz की जैसे कि मैंने पुराने वीडियोस के अंदर आप सबको बताया कि उसकी रेंज इज मैसिव कंपेयर टू द 5 GHz. जैसे मेरा राउटर जो है वो सेकंड फ्लोर पे लगा हुआ है, बट मैं मोस्टली यूज करता हूँ सेट टॉप बॉक्स भी एंड कुछ भी मतलब लैपटॉप भी फोन भी मेरे ग्राउंड फ्लोर पर ज्यादा यूज रहते हैं. ऊपर जो पीसी है मेरा राउटर पे वाया लैन केबल कनेक्टेड है, सो वो तो सेपरेट ही हो गई बात. एंड काफी सही रहता है, तो लैन पे ही मैंने उसको डाल रखा. पहले मैं छोटा वाला 2.4 GHz वाला वाईफाई मॉड्यूल यूज कर रहा था, क्योंकि मेरे मदरबोर्ड में डिस्पाइट इज द Z370 चिपसेट फ्रॉम द गीगाबाइट, ये वाईफाई नहीं आता इसमें. सो आई जो भी है, सो 2 GHz की रेंज इज मैसिव एंड स्पीड उसमें 50 से 60 MBPS की आराम से मिल जाती थी. सो गाइस बात करनी है हमें, एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा बेसिकली कि अभी मुझे फिलहाल में कितनी डाउन स्पीड और कितनी अप स्पीड मिलती है. सो जरा स्विच किया जाए. राइट यूट्यूबर्स, सो यहाँ पे आप देख रहे हो एक स्पीड टेस्ट की ऐप मैंने ओपन कर दिया है एंड जियो का नेटवर्क सेलेक्ट कर दिया है एंड यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है स्पीड टेस्ट को. सो ये उछल के तो बड़ी जल्दी से जाता है, 31 को क्रॉस करता है, बस धीरे 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 ये नीचे आ जाता है. बट थैंकफुली ये 28.4 से ज़्यादा नीचे नहीं गया डाउन स्पीड के लिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ. एंड एग्जैक्टली द सेम केस इसने किया है अपलोड स्पीड के साथ. सो मेरा 30 MBPS का प्लान है, 28.4 मुझे दोनों साइड में मिल रही है, विच इज़ एक्चुअली नॉट बैड एट ऑल. जस्ट कुछ दिनों पहले ऐसा सीन नहीं था, बट अभी बेटर है. सो दैट्स प्रीटी गुड राइट. So guys, that's it for this particular video. जैसा कि आप लोगों ने अभी स्पीड टेस्ट के अंदर भी देखा तो सही डाउन स्पीड और अप स्पीड अब एक्जैक्टली सेम मिल रही है, बट नॉट एक्जैक्टली 30 MBPS. जब ये नया नया भी कुछ दिनों पहले मैंने ट्राई किया था तो 10 से 12 MBPS का डिफरेंस था. जो ये अच्छी बात है कि इन लोगों ने इस चीज़ को रेक्टिफाई कर दिया एंड दैट टू फास्ट. सो अब अपलोड स्पीड मेरी बढ़ गई है, पहले अपलोड स्पीड कम हो गई थी. जो मेरा पहले वाला प्लान था किसका था मुझे याद नहीं आ रहा, मैं यहाँ लिख दूंगा जिसका भी था वो. सो उसके बाद जब जियो लगवाया तो वो 25 MBPS से डाउन हो गए, 10 MBPS रह गए. तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि यूट्यूब वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे होते हैं और 1-1.5 GB के कई वीडियोस हो जाते हैं, तो बहुत टाइम ज़्यादा लग जाता है. बट नाउ इट इज बैक टू वेयर इट वॉज, क्योंकि 25 MBPS में मिलती थी, नाउ इट इज 28.4 एज यू हैव सीन इट. सो बहुत ही सही है अब. एंड एक्चुअली 470 rupees के अंदर ठीक है. एंड बाकी जो OTT बात रही OTT apps की, एंड जो OTT apps एक्चुअली मैंने कुछ चीज़ों के सब्सक्रिप्शन वगैरह लिए हुए थे, सो इवन अगर हम कैलकुलेट करें तो बेसिकली प्लान हमें 100 rupees के मिल जाते हैं OTT के अंदर. तो अगर 2-3 के भी ले लिए, 4 के भी ले लिए, तब भी 800 something के अंदर काम हो जाएगा, जहां पे पहले हमें देने पड़ रहे थे 1,002 rupees फॉर द सिल्वर प्लान. एंड उसमें GBs भी लिमिटेड थी एंड OTT ऐप सारे फंक्शनैलिटी में नहीं चलती थी, प्रीमियम फीचर्स कहीं के नहीं थे. एंड सिल्वर प्लान के अंदर सिर्फ 3 महीने तक की OTT ऐप हमें मिलती थी. सो देखा जाए उससे तो ये बेटर ऑप्शन ही है. So yeah, that's it for this particular video guys. I hope you guys like it. And मैंने जितना भी मुझे इसके बारे में knowledge थी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया. So guys, अब मिलते हैं in the next video. Most probably by tomorrow. शायद वो इसी के ऊपर रहेगा. एक चीज और है मेरे पास आप सबके लिए. So अब मिलते हैं in the next video. Bye. Take care. See ya. Have lots and lots of fun guys. And guys, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो सब्सक्राइब करें बिना जाना मत. And guys, ये जो चीज़ है ये actually regular content नहीं है मेरे चैनल का, ये जस्ट लाइफ स्टाइल की चीज़ें हैं. क्योंकि जो चीज़ मैं खरीदता हूँ या कुछ घर पे लगवाता हूँ या कुछ भी है तो वो उसका मैं वीडियो बनाता हूँ. यूजली चैनल रिवॉल्व करता है कार एंड होम, ऑडियो पे, कार्स एंड बाइक्स पे, एंड ट्रैवल पे. सो और बिल्ड्स भी ऑडियो के. सो बहुत ही मजा आता है. सो एक बार चेक कर लेना, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग. थैंक यू गाइस. सो मिलते हैं. बाय.